हाईकमान द्वारा गठित फैक्ट फाइटिंग कमेटी के सदस्य एवं पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर बात की है कि कारण क्या रहे कि कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव हारे ही नहीं बल्कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई है। सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी है। सभी कार्यकर्ताओं द्वारा रखे गए मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार करके जल्द हाईकमान को भेजी जाएगी। जो भी वाजिब कार्यवाही होगी वो अध्यक्ष और पार्टी स्तर पर की जाएगी। धर्मशाला उपचुनाव में हार के फैक्ट जांचने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया और अजय महाजन धर्मशाला पहुंचे। कमेटी सदस्यों ने सर्किट हाउस धर्मशाला में बंद कमरे में कार्यकर्ताओं से अलग अलग मुलाकात की। पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने कहा कि आज सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर बात की है कि क्या कारण रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव हारे ही नहीं बल्कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई है। आज सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी है। सभी कार्यकर्ताओं द्वारा रखे गए मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार करके जल्द हाईकमान को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने सभी से अलग अलग बात की है जिससे ये पता लगाया जा सके कि पार्टी की हार का मुख्य कारण क्या रहा है। साथ ही 19 अक्टूबर को आयोजित पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा द्वारा आयोजित धाम में संगठन के लोग उपस्थित थे। हम भी वहाँ ये देखने गए थे कि सुधीर शर्मा का संदेश क्या है, रिकॉर्डेड है या वायरल है। जो भी हमने वहाँ देखा है उसे अपनी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। हम चुनाव में यहाँ रहे, सक्रिय रहे, काम किया हमने और वो सारी जानकारी हमारे पास थी। लेकिन अब हाईकमांड के द्वारा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में भी हमको सदस्य बनाया गया, तो अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का सदस्य होने के नाते ये अब हमारी ड्यूटी बनती है कि जो कार्यकर्ता बोल रहे हैं उसको सुन के और अपने विवेक का इस्तेमाल कर अपनी रिपोर्ट के अंदर वो सारी बात जो है हम लिखेंगे। और अब इस स्टेज के ऊपर उन सारे तथ्यों को उजागर करना मेरे ख्याल में जो है रिपोर्ट को डाइल्यूट करेगा। इसलिए एक 19 तारीख को धाम का मुद्दा जो है वो बड़ा चर्चा का विषय रहा जिसमें आप भी वहाँ उपस्थित रहे। उस सारे धाम के बाद जो है वो इनका मानना ये था कि भी ये परिपेक्ष जो है वो बदला, चुनाव का जो टेम्पो बना था वो सारा टूटा। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वो धाम जो है वो कांग्रेस को डैमेज करने के लिए ऑर्गेनाइज हुई थी? ऐसा है कि ये जो आप बोल रहे हैं वो धाम वहाँ हुई, उसमें पार्टी के ऑब्जर्वर भी वहाँ पर थे और भी प्रदेश के संगठन के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, मैं भी उसमें था और हम सब यही देख रहे वहाँ गए थे कि अब ये जो सुधीर शर्मा जी अब आए हैं तो सुधीर शर्मा जी जो है उनका संदेश क्या होगा। वो संदेश तो रिकॉर्डेड है सारा, वो वायरल है, उसके बारे में तो कोई ज़्यादा जो है बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो तो वायरल है, वो रिकॉर्डेड है सारा और हम वहाँ पर थे। वो जो हमने सुना है, देखा है, वो अपनी रिपोर्ट के अंदर उसको सब बातों का सम्मिलित करेंगे। धर्मशाला उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे विजय इंद्र कर्ण का कहना है कि हार के कारणों की जांच में देरी तो हुई है लेकिन अब हाईकमान उचित कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा आरोप है कि पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने नकारात्मक भूमिका उपचुनाव में निभाई है जिसकी रिपोर्ट हाईकमान को भेज दी गई है। आज बैठक हुई है और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी यहाँ पर पहुंची थी, क्या मानते हैं, क्या पक्ष जो है आपकी तरफ से रखा गया? देखिए, हाईकमांड के द्वारा ये कमेटी गठित की गई है और धर्मशाला में जो हार हुई है चुनाव के उसके कारणों की ये जांच कर रहे हैं और दोनों ही पक्षों के लोग आए थे, उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा है और हम तो पहले ही बोल रहे हैं कि यहाँ पे भीतरघात हुआ है और उसकी हमने अपनी जो रिपोर्ट बनाई थी वो आज हमने सौंप दी है और हमें उम्मीद है कि हाईकमांड एक कड़ा संदेश धर्मशाला से पूरे कांग्रेस के वर्कर्स को यहाँ से देगी। क्या मानते हैं कि दूसरा पक्ष भी जो है उन्होंने भी बैठक की थी, बकायदा जो है बड़ी देर तक चर्चा भी यहाँ पर चली है, क्या मानते हैं, क्या हाईकमान जो है अभी तक कार्रवाई करने में जो है विफल रहा है? देखिए, थोड़ा विलंब तो इसमें हुआ है लेकिन हाईकमान इस बार बहुत सख्त है और पूरी उम्मीद है कि इस बार ज़रूर कोई कार्रवाई जिन लोगों ने भीतरघात किया उन पर होगी। सीधे तौर पर सुधीर शर्मा के ऊपर भी आरोप लगे हैं, क्या मानते हैं? बिल्कुल जी, हम तो पहले ही बोल रहे हैं जी, उन्होंने एक बड़ा नेगेटिव रोल यहाँ धर्मशाला के चुनावों में किया तो हमने अपनी रिपोर्ट उनको हाईकमान को सौंप दी है, अब निश्चित तौर पे उन पर कार्रवाई होगी क्योंकि अभी सुधीर शर्मा जो है कांग्रेस के एक बड़े पद पर आसीन है, क्या मानते हैं, हटाने की मांग करते हैं आप? देखिए, पार्टी से बड़ा कुछ भी नहीं है।
कोई भी पद ऐसा नहीं है जो पार्टी से बड़ा है। अगर आप पार्टी के अंदर रह के पार्टी के साथ ही गद्दारी करें तो मुझे नहीं लगता कि वो उस पद के काबिल है। निश्चित तौर पर हाईकमांड कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेगी उस पर। आपकी मांग है कि हटाने? बिल्कुल हटाएंगे, हटाना की मांग है जी।